जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चे ने गुरुवार को इसका ऐलान किया। झामुमो विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे की वजह से गिरिडीह जिले की यह सीट खाली हुई है। गांडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव 20 मई को होगा, जब राज्य में संसदीय चुनाव के लिए भी वोट डाले जाएंगे। बता दें कि कल्पना गृहिणी हैं और उनकी शैक्षिक योग्यता एमटेक और एमबीए है। उन्होंने ओडिशा से मयूरभंज जिले के बारीपाड़ा में स्कूली शिक्षा प्राप्त की और इंजीनियरिंग और एमबीए की पढ़ाई भुवनेश्वर के अलग अलग संस्थानों से की है। उनका राजनीतिक सफर 4 मार्च को गिरिडीह जिले में झामुमो के 91वें स्थापना दिवस समारोह से शुरू हुआ, जब उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इसमें उन्होंने दावा किया कि 2019 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार बनाने के बाद से विरोधियों द्वारा एक साजिश रची गई थी और उनके पति को जेल में डालने वाली ताकतों को झारखंड मुंहतोड़ जवाब देगा। उनके पति हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इन सबके बीच झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत ने गुरुवार को लोहरदगा लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने दावा किया कि वो 1,00,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस झामुमो के साथ सीट बंटवारे के समझौते के तहत लोहरदगा में चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि झामुमो के विष्णुपुर विधायक चमरा लिंडा में बुधवार को इस सीट के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया।